हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ, जो कि हमने 20-30 न्यूज आर्टिकल्स में से सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत और तालिबान को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फिर उसके बाद एक लो स्कोरिंग गेम में पिछले कल अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में एंट्री मार ली है। इसी चीज को लेकर ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं, बल्कि तालिबान रेजिम भी पिछले कल इतना खुश हो गया कि उसने अफगानिस्तान की इस जीत के लिए भारत को धन्यवाद कहा, यानी भारत को थैंक्स बोला है। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड सुहेल शाइन ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनकी लगातार मदद की है उसकी हम सराहना करते हैं, उसके लिए हम भारत के शुक्रमंद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ही हो गया कि तालिबान आज की डेट में भारत को क्रेडिट दे रहा है, तो उसके पीछे का कारण है कि ना सिर्फ BCCI अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होम मैचेस को भारत में होस्ट करता है, बल्कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भारत की सरकार ने कांधार में क्रिकेट स्टेडियम के लिए यानी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए $1 मिलियन की फाइनेंशियल एड भी दी थी। उसके बाद फिर BCCI ने कुछ कंपनी से कहकर अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सरशिप भी दिलवाई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई सारे प्लेयर्स ऑफ सीजन के दौरान भारत आकर अपनी ट्रेनिंग सेशन को पूरा करते हैं। यही कुछ चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को आज की डेट में काफी फायदा दिला रही है और इसीलिए तालिबान ने भारत को थैंक्स बोला है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है केनिया से, और अब हो सकता है कि केनिया से भी भारत की सरकार को इवैक्यूएशन करके भारत के लोगों को भारत वापस लाना पड़े। दरअसल पिछले 24 घंटों में केनिया के अंदर वहां पर काफी सारे दंगे फसाद स्टार्ट हो गए हैं। आम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर उतर आकर वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केनिया की सरकार ने टैक्स को लेकर नए कानून इंट्रोड्यूस किए थे और कई सारी ऐसी चीजें जो पहले की टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं थी उनको अचानक से टैक्स ब्रैकेट के अंदर ला लिया था। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर पहले कम टैक्स था उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, और ये चीज केनिया और खासकर नैरोबी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सड़कों के ऊपर हो रहे प्रोटेस्ट कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ये किसी को पता नहीं चला, और केनियंस ने ना सिर्फ सड़कों के ऊपर आगजनी की बल्कि जो केनिया की पार्लियामेंट थी उसके ऊपर भी अटैक करके उसको भी जला दिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केनिया की पुलिस और आम प्रोटेस्टर्स के बीच गोलियां भी चली हैं। भीड़ कंट्रोल करने में केनिया की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर कुछ फायर्स भी किए। भारत के 20,000 इंडियंस आज की डेट में केनिया में रह रहे हैं और वहां पर जॉब्स या फिर बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में केनिया में जो भारत की एम्बेसी है उसने भी एक नोटिस जारी करके कहा है कि अगर ज्यादा इमरजेंसी वाली बात है तो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, और जिन एरियाज में प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं वहां तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकला जाए, और अगले आदेश तक भारत की एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट में। आज की थर्ड अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर, एंड ये न्यूज है योगा से संबंधित। बेशक योगा का लिंक सनातन धर्म से है, लेकिन इस चीज के हेल्थ और मेंटल बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि दुनिया ने बहुत ही आसानी से योगा को अपना लिया है, लेकिन मालदीव्स के अंदर इसके भी खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मालदीव से खबर आ रही है कि इंडिया आउट की तरह मालदीव्स के अंदर वहां पर योगा आउट की भी मांग हो रही है। दरअसल 2-3 दिन पहले ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। न सिर्फ एशिया, यूरोप और वेस्टर्न देश बल्कि चाइना, इवन मुस्लिम देशों में भी इस दिन योगा के कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स ने भी कई सारे योगा सेशंस को ऑर्गेनाइज करवाया था, और बड़े सारे सेलिब्रिटीज और VIPs ने योगा करते हुए पिक्चर्स और वीडियो भी पोस्ट की थी। अब सेम चीज मालदीव्स के अंदर भी हो रही थी, जो कि मालदीव्स के कट्टर इस्लामिक लोगों को वहां पर बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मालदीव्स में मोहम्मद मिर्जू सरकार के कट्टर समर्थक मौलाना शेख अली जैद ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मालदीव्स के लोग वहां पर योगा ना करें, योगा इस्लाम धर्म के खिलाफ है। मौलाना शेख अली जैद ने कहा है कि अगर योगा में सूर्य देवता की पूजा शामिल नहीं होती तो फिर उस केस में वो इसको केवल एक्सरसाइज की तरह देखते, लेकिन इसमें सूर्य देवता की भी पूजा होती है जो कि मुसलमानों के एक ईश्वरवाद के खिलाफ है। मौलाना शेख अली जैद ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को योगा के ऊपर सीधे तरह से बैन लगा देना चाहिए, और मुसलमान लोग जो भी योगा कर रहे हैं उन्हें सलाह दी गई है कि योगा को छोड़कर नॉर्मल एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म द्वारा फैलाया गया ये योगा पूरी तरह से अमान्य है, बुरा है, निषिद्ध है, और इस्लामिक देशों में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि और कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। ये कहना है मालदीव्स में मौलाना शेख अली जैद का, जिसको अब योगा से भी प्रॉब्लम हो रही है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है एप्पल के आईफोन्स और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि फॉक्सकॉन की तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और यहाँ इन टोटल लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब इन सारे एम्प्लॉयज को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन कंपनी भारत में मैरिड वुमेन्स को जॉब नहीं दे रही है। फॉक्सकॉन कंपनी के भारत में लाखों एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनमें से एक भी शादीशुदा महिला नहीं है। रिपोर्ट आ रही है कि फॉक्सकॉन कंपनी की ये अनअनाउंस्ड पॉलिसी है कि वो केवल कुंवारी महिलाओं को ही जॉब देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी के बाद एक महिला की जिंदगी में कई सारे बदलाव आ जाते हैं,
बच्चे आ जाते हैं, महिलाओं का ध्यान भटक जाता है, नौकरी से छुट्टियां बढ़ जाती हैं और वो पहले की तरह काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा भारत में शादीशुदा महिलाओं के ऊपर सोसाइटल प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए फॉक्सकॉन कंपनी ने शादीशुदा महिलाओं को अपनी वर्कफोर्स में नहीं रखा हुआ है। वैसे इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या फॉक्सकॉन कंपनी का ये स्टेप ठीक है गलत है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटेन के अंदर वहां पर जनरल इलेक्शंस को अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है, वहां पर 4 जुलाई को वोटिंग होनी है। ऐसे में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर हमले काफी तेज कर दिए हैं। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने साल 2022 की दिवाली के लिए टारगेट सेट किया था कि दिवाली तक वो भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, लेकिन उनकी सरकार गिरी। उसके बाद ब्रिटेन के अंदर वहां पर लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी, उनके बाद ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने। ब्रिटेन के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, लेकिन अभी तक यूके और भारत के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। इसी को लेकर अब ओपोजिशन की लेबर पार्टी ने ऋषि सुनक की पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और डेविड लैमी ने कहा है कि कई दिवाली आकर चले भी गई, कई बिजनेसमैन इंतजार करते रह गए, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद न सिर्फ वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे, बल्कि तुरंत एक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होगा। इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए लेबर पार्टी के डेविड लैमी ने यह भी कहा कि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी भारत के मामले में कई सारे वादे करती है और कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करती है, और अगर लेबर पार्टी की सरकार आती है तो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाएंगे, यानी ना सिर्फ बातें करेंगे बल्कि उनके ऊपर अमल भी करेंगे। आई नो कि इलेक्शंस में इस तरह की स्टेटमेंट्स प्योरली भारतीय मूल के वोटर्स के वोट हासिल करने के लिए होती हैं, लेकिन इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि ब्रिटेन में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो ही जाएगा। आज की 7th अपडेट आ रही है चाइना को लेकर। दरअसल 2 महीने पहले चाइना ने चांद के ऊपर एक प्रोब भेजा था, जिसको चांद की फार साइड यानी चांद के उस हिस्से से मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करके लाने थे जो इस धरती से दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में है, और ये फार साइड वाला रीजन काफी डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन पिछले कल चाइना ने मिशन भी सक्सेसफुली पूरा कर लिया और चाइना का प्रोब मून के फार साइड की सरफेस के सैंपल्स को कलेक्ट करके धरती के ऊपर वापस भी आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का ये प्रोब चाइना के इनर मंगोलिया डेजर्ट में लैंड हुआ। अब जो ये मून का फार साइड है यानी वो हिस्सा जो धरती से दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर अभी तक और किसी भी देश ने अपना प्रोब आज तक नहीं भेजा है, ना ही अमेरिका ना ही रशिया, क्योंकि इस रीजन को काफी डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन चाइना ने ना सिर्फ यहाँ पर प्रोब भेजा बल्कि यहाँ के सैंपल्स को भी कलेक्ट करके वो धरती के ऊपर ले आया है। इसके लिए चाइनीज स्पेस एजेंसी की जितनी तारीफ हो उतना कम है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। पिछले कल हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया की विजिट के ऊपर जाएंगे। अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई यानी कि 2 दिन के रशिया दौरे के ऊपर जाएंगे। रशिया की सरकार इस विजिट के लिए काफी एक्साइटेड लग रही है और इस विजिट की कंफर्मेशन भी पहले रशिया की सरकार की तरफ से आई है। पीएम मोदी लास्ट बार रशिया के दौरे के ऊपर साल 2019 में गए थे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साल 2021 में भारत आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की लास्ट मीटिंग उसके नेक्स्ट ईयर साल 2022 में उज़्बेकिस्तान में एक एसियो समिट के साइडलाइंस के ऊपर हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन से कहा था कि अब ये युग युद्ध लड़ने का युग नहीं है। वैसे जो ये प्रधानमंत्री मोदी का रशिया का दौरा होने वाला है, इसकी हाईलाइट भी यूक्रेन युद्ध ही होने वाला है। दुनिया के सभी देश एक बार फिर से नजर रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया में वहां पर अपनी स्पीच में क्या कहते हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहाल ने एक स्टेटमेंट जारी की है और जिसमें उन्होंने कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये तीनों ही रीजन नेपाल के हैं और इनके ऊपर नेपाल का अधिकार है। नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साल 1816 यानी कि आज से 208 साल पहले भारत और नेपाल के बीच सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि महाकाली रिवर के ईस्ट में जो भी रीजन आता है वो सारा नेपाल का है, इसलिए महाकाली रिवर के ईस्ट में पड़ने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये तीनों रीजन्स आधिकारिक तौर के ऊपर नेपाल के हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और अफ्रीकन देशों को लेकर। दरअसल पिछले कल 25 जून को अफ्रीका डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसके लिए राजधानी न्यू दिल्ली में अफ्रीकन देशों ने मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को इनवाइट किया गया था और वो चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा जो भारत में चाइना के एम्बेसडर हैं शू फियोंग सर, वो भी पिछले कल जयशंकर सर के साथ मीटिंग करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।